बार आपके नगर में प्रभु श्री राम की भव्य बारात आप सबने दर्शन किए, सबने स्वागत किया और आप जो यह तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ रामलीला मंचन की है और रामलीला के कलाकार यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन खास तौर से कर रहे हैं। भाग्य भरे भागवान बुझान की भैंसो वीर भारी भाजती रहे, वीरन में वीर महाराजा दशरथ की वीरता की वीरा बीती बीती बाजती रहे, महाराज की जीवन की जय जयकार हो। एक आध्यात्मिक पर्व है और पूरे शहर की तरफ से ये रामलीला यहाँ होती रही है, कई सौ सालों से रामलीला हो रही है आयोजन इसका, और बहुत बढ़िया कलाकार है हमारे वृंदावन के जो यहाँ पिछले 7-8 साल से आ रहे हैं और बहुत भव्य रामलीला, तो हम रामलीला समिति का जो इसके आयोजन समिति उसका धन्यवाद। वर्मा नाम है जी मेरा और एक सनातन परंपरा में पिछले 350 वर्षों से इस ग्राउंड में रामलीला हो रही है, उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए श्री रामलीला सभा ने इस साल भी बड़ा भव्य आयोजन किया है और पूरी रामलीला सभा इस भव्य आयोजन के लिए बधाई की पात्र है। बहुत बहुत रामलीला कमेटी और प्रधान जी को धन्यवाद, ये मंचन हर साल ऐसे ही चलता रहे। मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जो ये इतना बढ़िया आयोजन हो रहा है इसमें जो मैं अपने युवाओं साथियों से ये अपील करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आकर इस मंचन में इनका उत्साह बढ़ाए। जो बाहर से इतने अच्छे कलाकार इतनी प्रस्तुति देते हैं उनका उत्साह जब ही बढ़ेगा जब यहाँ पे भीड़ होगी और दर्शक तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे, तो मेरी सबसे यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर यहाँ पर ये रामलीला का मंचन देखे जो हमारे शहर का सबसे पुराना। प्रधान जी की निकटता में 2 साल से धीरे धीरे इस पर और निखार आता जा रहा है और हम तन मन धन से इनके साथ हैं, ऐसे ही शोक करते रहेंगे। अच्छा, दशरथ यहाँ पर अपना रामलीला में मंचन कर रहे हैं। हमारा राज्य भली प्रकार से चलता है, सब कार्य समय पर हो जाए, सही ढंग से हो जाए, इसी में कार्य की कुशलता मानी जाती है। साधारण बात नहीं है, समस्त प्रजा को अपने परिवार के समान जो राजा देखता है वही राजा श्रेष्ठ माना जाता है, अन्यथा तो बहुत से ऐसे राजा हैं जो पृथ्वी पर अपना राज्य चलाते हैं लेकिन बहुत कम ऐसे राजा हैं कि जो प्रजा को अपने पुत्र वत्स समझ करके अपनी संतान समझ करके उसका पालन करते हैं। राज्यामि धर्मणि धर्मिष्ठ पापे पापा समे समा राज्यानु चरण वर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। राजकुमार गोयल, महासचिव श्री रामलीला सभा, जो हमें हर संस्थाओं का और आज स्पेशली श्री राम ज्योतिष पीठ हमारे मध्य में है और जो भी पदाधिकारी श्री राम ज्योतिष पीठ के हमारे यहाँ आए हैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है, और इन्होंने जो हमारे प्रधान जी के और कार्यकारिणी के सदस्यों के बारे में विचार रखे हैं ये उसके लिए भी बहुत धन्यवाद के पात्र। वही सभी समाज के सहयोग से ये सहयोग से हो जाता है और पूरा सहयोग रहता है पूरे समाज का। आज हमारे सब साथी हैं राम ज्योतिष पीठ के भी, सबका सहयोग रहता है और पूरा मंचन बहुत बढ़िया चल रहा है। तो राम बारात भी पूरे शहर में जो है पूरा रोल रहा था, तो सभी का धन्यवाद। इस दौरान आप यह तस्वीरें भी देख लीजिए, रामलीला मंचन के दौरान श्री राम का अभिषेक करने की तैयारी हो रही है। इस तरह का मंचन वृंदावन से पहुँचे यहाँ रामलीला के कलाकार कर रहे हैं। वास्तव में ही यह रामलीला का मंचन लोगों को अच्छा पसंद आ रहा है। खास बात यह है कि वृंदावन से पहुँचे कलाकारों ने वास्तव में ही श्री राम की अयोध्या वासी मिथिला में गए थे, बहुत समय पहले वास्तव में ही महाराज विदेश विदा माना और विदा माना करके पुनः सभी अयोध्या